दरअसल विजयवर्गीय ने अधिकारियों को संदेश भिजवाया था कि वे सभी रेसिडेंसी कोठी पर पहुंचे, वहां पर माफिया के खिलाफ अभियान को लेकर चर्चा की जाएगी। विजयवर्गीय के संदेश के बाद डीआईजी, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त आदि अधिकारी रेसिडेंसी कोठी पर नहीं पहुंचे। इस स्थिति को देखकर उन्होंने अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए विजयवर्गीय अपने साथी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ रेसिडेंसी कोठी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि सरकार से सीधा मुकाबला किया जाएगा। इंदौर से दाऊद कुरैशी की रिपोर्ट।